ऑस्मोलैरिटी और मोलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना। ऑस्मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर लिए जाते हैं, जहाँ पे हम ml में बात करेंगे। ऑस्मोलैरिटी में किलोग्राम्स लिए जाते हैं, यूनिट्स में डिफरेंस है। कि हम सॉल्वेंट के लिए ml ले रहे हैं या सर आप म्यूट ऑफ द प्लाज्मा, देन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एंड देन रेगुलेशन ऑफ सेल वॉल्यूम। सो ऑल दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस ऑस्मोसिस। यू माइट हैव स्टडीड दिस डायग्राम इन योर फिजियोलॉजी। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज into the interstitial fluid space, arterial end of the capillary, venous end of the capillary. At arterial end of capillaries, there is more hydrostatic pressure and less oncotic pressure, so there is net filtration of the fluid. Extracellular fluid mein volume ko increase kiya jata hai. Middle way mein equal hai, nothing, aur venous side pe रीअब्सॉर्प्शन होती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को काउंटर करता है यहाँ पे ऑनकोटिक प्रेशर, जो टेंट रिटेन करते हैं ब्लड को और फ्लूइड को वेसल्स में। ऑनकोटिक प्रेशर ninety percent of plasma is water, 8% are the proteins, and in from these proteins albumin, globulin and fibrinogen are most important, and plasma oncotic pressure is particularly due to this albumin, isi ki wajah se hota hai. It tends to retain water in the capillaries in the blood vessels. Blood plasma mein ions hain, dissolved particles हैं, glucose monoacids और proteins हैं, macromolecules हैं। ये सारे के सारे oncotic pressure को enhance करते हैं, particularly this albumin। oncotic pressure में और osmotic pressure में कोई difference है? When we are particularly talking about plasma, and plasma osmotic pressure is known as oncotic pressure. जब हम albumins की या proteins की बात करते हैं plasma में, तो हम उसे oncotic pressure कह देते हैं। तो oncotic pressure osmotic pressure की एक type है। Yes, yes, you can say that. So, excuse me sir, is there any question? ना था ना। क्या? सर एक क्वेश्चन था सर, ऑस्मोटिक्स तो हम कह रहे हैं कि जो वाटर प्रेशर बना रहा है जब वो मेम्ब्रेन के थ्रू जिस वजह से वो जाता है, लेकिन ऑनकोटिक प्रेशर सर हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन बना रहा है, सर इसमें कुछ डिफरेंस ही आ जाएगा? डिफरेंस इसमें हम जो ना वो दोनों साइड्स पे लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो वो सल्यूट कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली, तो वो मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन फ्रॉम लो टू हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन। यहाँ पे भी जो प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन्स हैं ये ही काज कर रही होती हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को, हम उसे सल्यूट की सॉल्वेंट की बजाय टूवर्ड्स सल्यूट ज़्यादा मेयर करते हैं। एक ही बात है, डिफरेंस वेज उसे एक्सप्रेस करने के। जितना ज़्यादा अगर यहाँ पे एल्ब्यूमिन का लेवल होगा उतनी ज़्यादा वाटर की मूवमेंट होगी, सो वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसे हम दोनों साइड्स पे मेजर कर सकते हैं। ओवरऑल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू
मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड प्रोटीन्स, और इसमें प्रोटीन्स ही मेजर रोल प्ले करती हैं। On body pressure of plasma, you need tend to pull water into the circulatory system. उसे बाहर नहीं निकलने देती। Albumin major contributor है। Total on body pressure 28. Cell albumin has 22. So major is albumin. Due to any deficiency, अगर albumin का level कम हो जाए, तो on body pressure भी कम हो जाता है। और जब on body pressure कम होगा, तो फिर प्लाज्मा लीक होता है। प्लाज्मा कैपिलरी से बाहर निकल आएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड फॉर्मेशन और टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन सेम वही पहले वाले डायग्राम। कैपिलरी एंड पे फिल्ट्रेशन होती है और वीनस एंड वाली साइड पे आर्टेरियल एंड पे फिल्ट्रेशन है, वीनस एंड पे रीअब्सॉर्प्शन है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है, रीअब्सॉर्प्शन कम है। So net there is production of tissue fluid. Starling equilibrium more likely towards physiology. और जो interstitial fluid ज़्यादा बन रहा है उसे कैसे रिमूव किया जाता है? Through lymphatic system, ताकि वो interstitial spaces में fluid ज़्यादा जमा ना हो जाए। This diagram. Arterial end. Hydrostatic pressure of plasma is much more than the oncotic pressure. यहाँ पे solute particles की concentration कम है तो water को retain कर सकें। Opposing factor hydrostatic pressure ज़्यादा, so there is net filtration of the fluid. Venous end पे oncotic pressure ज़्यादा, hydrostatic pressure कम है, so reabsorption होती है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में फिल्ट्रेशन वाला ज़्यादा है, रीअब्सॉर्प्शन कम होती है, और जो एक्सेस फ्लूइड है वो कैप थ्रू दी लिम्फैटिक सिस्टम यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, ताकि यहाँ पे डिजॉल्व या डिपॉजिट ना होना शुरू हो जाए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ ना जाए यहाँ पे। Same thing regarding pressures. Hydrostatic pressure is 32 at arterial end and -7 at venous end. Means कि यहाँ पे hydrostatic pressure बिल्कुल नहीं है, oncotic pressure ज़्यादा है, so reabsorption हो रही है, filtration हो रही है। अगर कभी कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई कट हुआ है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज एडिमा। इफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज एक्सेसिव, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड दैट इज नोन एज एडिमा। Increase in the fluid concentration in the extracellular fluid space. ECF में अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम एडिमा कहते हैं। If you have seen chronic liver disease patients, CLD, जिनमें लीवर बिल्कुल काम नहीं करता, तो उन लोगों में क्या होता है, बैली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटोबरेंट होती है, बैली बहुत ज़्यादा बाहर निकली होती है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है। सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं कि जी पानी आ गया पेट में, अदरवाइज क्या होता है उसमें एडिमा हो जाता है। एडिमा क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्रोनिक लीवर डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज नहीं होती। जब एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज नहीं होती तो वो ब्लड वेसल्स में एल्ब्यूमिन कम होगी, ब्लड वेसल्स में एल्ब्यूमिन कम है तो वाटर को रिटेन नहीं किया जा सकता, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, और जब वाटर रिटेन नहीं होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा, एंड दैट कॉजेस द एडिमा। अगर आप
वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, लेग्स में मोस्टली प्रॉब्लम होती है, इरेक्ट पोस्चर बहुत ज़्यादा देर के लिए, लोग जो खड़े रहते हैं यूजली सोल्जर्स और सेल्समैन, उसमें क्या होता है कि जो लेग वेंस है उसमें प्रेशर बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ पे फिर एंकल स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑफ कोर्स लीड्स टू एडिमा एंड मेजर कंट्रीब्यूटर इज एल्ब्यूमिन। देर आर सर्टेन कंडीशंस जहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन लॉस होता है, यूरिन में लॉस हो रहा है प्रोटीन यूरिया ड्यू टू एनी किडनी प्रॉब्लम, मेल न्यूट्रिशन, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल दीज काजेस द फॉर्मेशन ऑफ दिस एडिमा, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। Obviously, fluorescent test is based on again osmosis. Here comes the concept of isotonic, hypotonic, and hypertonic solution. Isotonic solution having same concentration. Hypotonic diluted solution. Hypertonic concentrated solution. सॉरी मुझे समझ नहीं। ओके 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, उसमें कंसंट्रेशन सेम रहती है, उसमें कोई शेप में चेंज नहीं आती, टोनिसिटी नॉर्मल रहती है। बट इफ वी प्लेस दिस आरबीसीज इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? सर सवाल कर रहे हैं। आरबीसी विल श्रिंक। रीथिंक। वी हैव प्लेस्ड आरबीसीज इन ए सॉल्यूशन वेयर देयर इज लेस कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हाइपोटोनिक है। No, recall the definition of osmosis. Fragility ho jayegi. Fragility of RBC. Fragility of hypotonic solution means ki wahan pe water molecule zyada hai, solute concentration kam hai, hypo hai, to water kahan se kahan move karega, from lower to higher side. So cell hypotonic se in mein RBCs mein move karega, RBC swelling hogi, rupture ho jayenge. What a desalination principle is again on reverse osmosis. ये हम पहले भी बात की है, जो समुद्री पानी है उसमें भी डीम मिनरलाइज करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। अप टू नाउ वी हैव डिस्कस्ड द ऑस्मोसिस, डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, देन ऑस्मोटिक प्रेशर and certain clinical aspects of osmosis. There is only one equilibrium or equation mentioned in your syllabus, that is known as Donnan membrane equilibrium or Gibbs Donnan equation. After now we have discussed about the movement of water molecules from one side to other side, which has been separated by semi-permeable membrane. But if you have a membrane which is permeable to both water and solute also, when two solutions separated by membrane, permeable, here loves the word is permeable to both water and small ions, but one compartment has impermeable ion, then distribution is according to the Donnan principle. अगर हमारे पास परमिएबल आइंस में भी मौजूद हैं, इम्परमिएबल आइंस में मौजूद हैं, sorry, I could not hear you. Did you have any question? सर माइक Okay. There is other discussions not
Any questions? I cannot. Someone's mic is on. Please mute it. Gibbs and Donovan. They said that we have two compartments. We can separate the memory. Not a semi-permeable, but permeable memory. And that permeable membrane is for the small ions, but not the large molecules. Small ions present hai aur proteins hai. To us par jo distribution hai, wo thodi si disturb ho jati hai, change hoti hai. And a very good diagram to depict this one. We have two compartments separated by a membrane, which is permeable to the small ions, cations and anions both. We have five sodium molecules and five radicals, any molecule. That is impermeable molecule. On the other side, we have sodium molecules and chloride ions. Sodium and chloride, they can easily move on either side. Ye move kar sakte hain. But this particular N9, for example, it's a protein. It cannot cross this membrane. So Donovan said that whenever we have certain impermeable N9s on either side, then there is redistribution of all the ions present in that system. Agar humare paas protein the, या कोई भी और इम्परमेबल आयन किसी एक साइड पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के, तो जो मूवमेंट्स है मॉलिक्यूल्स की, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, चेंज हो जाती है. सो जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम. वी हैव फाइव सोडियम कैटाइंस एंड फाइव एनाइंस. ऑन द राइट साइड वी हैव 10 सोडियम एंड 10 क्लोराइड. Due to presence of this impermeable ion, there is redistribution of these ions on both sides, and ultimate picture is this one. We have 9 sodium on the left side, 5 are already here, anions, and then there is movement of 4 chloride ions on the left side, from the right side. जब यहाँ पे 10 थे, 10 थे, अब 6 रह गए हैं. व्हाट डज इट मीन कि यहाँ से जो 4 मॉलिक्यूल्स से वो इस साइड पे मूव कर गए हैं. सो 4 सोडियम हैव मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड. सिमिलरली 4 क्लोराइड्स हैव मूव्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड. इस डायग्राम में कोई कन्फ्यूजन या सारी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, कुछ भी समझ नहीं आया कि हो क्या गया है. नहीं समझ आई. ओके, अभी हम ऐसे एक दूसरे तरीके से देखते हैं. अभी जो इस तरह देख लें, डोनन भाई साहब ने क्या कहा था. डोनन ने ये कहा था कि वी हैव टू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन, इट इज परमीएबल टू बोथ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल आयंस. वाटर मॉलिक्यूल, ये ब्लू इज वाटर मॉलिक्यूल्स, फॉरगेट अबाउट दैट. एंड दीज आर द स्मॉल आयंस, सोडियम एंड क्लोराइड आर स्मॉल आयंस. ये इजीली मूव कर सकते हैं दोनों साइड्स पे. बट वन कंपार्टमेंट इज हैविंग इम्परमेबल आयन लाइक प्रोटीन्स. अब ये कंपार्टमेंट जो है लेफ्ट साइड पे, इसमें एक इम्परमेबल आयन मौजूद है, ये मूव नहीं करेगा. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इम्परमेबल आयन लाइक प्रोटीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परमेबल आयन्स अकर्स अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ डोनन. जब यहाँ पे ये इम्परमेबल आयन मौजूद है, तो ये सारे के सारा जो सिस्टम है, इसमें जो सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है कैटायंस और एनायंस की, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी.
रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ऑफ डोनल्ड. वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेशंस बट अल्टीमेट रिजल्ट ये आएगा. अब इसमें कुछ पास्टुलेट्स थे उसे देखते हैं फिर आपको इस डायग्राम को समझ आएगी कि एक्चुअल हुआ क्या है. प्रोडक्ट ऑफ डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ कंपार्टमेंट्स आर इक्वल, ये इसका पहला था. डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होनी है कि अगर हम कैटायंस की और एनायंस की प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या जो डिफ्यूजिबल आयंस है उनकी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दोनों साइड इक्वल होगी. 6 × 6 व्हाट शुड बी द आंसर? 36. ओके. 9 × 4 अगेन 36. सो प्रोडक्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स. ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. नंबर वन पोस्टुलेट, प्रोडक्ट्स ऑफ डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ क्वार्टर्स आर इक्वल. सेकंड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच कंपार्टमेंट इज मेंटेन्ड. जितने कैटायंस एनायंस एक साइड पे है उतने ही दूसरी साइड पे होंगे सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे. सो ऑन राइट साइड देयर आर 6 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव. ऑन लेफ्ट साइड देयर इज 9 पॉजिटिव एंड 9 नेगेटिव. सो दोनों कंपार्टमेंट्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन की जाएगी. टोटल नंबर पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर रिमेन्स द सेम. इसमें टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो वो सेम है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. एज व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन ऑन वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन, दिस डिफ्यूजिबल आयंस कैटायंस आर मोर ऑन दैट साइड देन द एनायंस. ये थोड़ा मुश्किल हो गया काम. दिस साइड पे नॉन डिफ्यूजिबल एनायन प्रेजेंट होगा, उस तरफ कैटायंस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और एनायंस की कम हो जाएगी. अगर इस टाइम ये प्रेजेंट था तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला बढ़ गया. ये ही इसका लास्ट पॉइंट था. डिफ्यूजिबल कैटायंस मोर ऑन दैट साइड. आई थिंक सो इफ यू ट्राई टू रीड इट ऑन द बुक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हुआ क्या है. लेकिन जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात की है वो एक कंपार्टमेंट की बात की है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ दिस लेफ्ट साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ दिस राइट साइड, वो उधर ज्यादा हो गया. यू आर एब्सोल्युटली राइट. जिस तरफ ये मौजूद होगा सर, फर्स्ट प्लेस पे मूवमेंट ऑफ आयंस हुई इसलिए थी कि बैलेंस करना था, हाई कंसंट्रेशन से लो पे जर हमने मतलब बैलेंसिंग की वजह से हुई थी, तो इस तरह तो बैलेंस दोबारा नहीं बिगड़ गया? हाँ जी, इसमें बैलेंस हमने राइट और लेफ्ट को नहीं करना. डोनल्ड्स में जो इक्विलिब्रियम है इसमें यही तो डिफरेंस आता है, इसमें लेफ्ट और राइट को बैलेंस नहीं करना हमने. इसमें एक साइड पे जिस तरफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन प्रेजेंट था उस तरफ कैटायंस की क्वांटिटी बढ़ती ही है. जो हम न्यूट्रलिटी की बात कर रहे थे ना, ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच कंपार्टमेंट इज मेंटेन्ड. अगर हम इस लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें पहले 5 और 5 5 5 थे, ये न्यूट्रल था, ये 10 10 थे, ये भी न्यूट्रल था. आफ्टर द इक्विलिब्रियम हियर आर 9 पॉजिटिव एंड 9 नेगेटिव. तो इस कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर भी मेंटेन रही है, बट ऑफ कोर्स देयर आर मोर कैटायंस ऑन लेफ्ट साइड. व्हाट आर डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल होगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाएगी, टोटल नंबर सेम रहेगा, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी. इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही तो वो मेजर करते हैं डोनल्ड्स ने, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ही तो सारा काम करती है. सर हम इस तरह कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो सिर्फ डिफ्यूजिबल आयंस की हो सकती है, बाकी जो इम्परमीएबल आयन है उसकी बात ही नहीं हम कर रहे.
यस 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 यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम सिर्फ डिफ्यूजिबल आयंस की बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। अब ये जिस ये डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है, ये होता है क्या है? Difference in concentration of sodium potassium chloride between ECF and ICF. If you remember that, sodium ECF में ज़्यादा होता है या ICF में ज़्यादा होता है? ECF. Potassium extracellular है या intracellular है? Potassium intra. Intracellular. Okay. So, ये जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसी डोनर्स की वजह से होती है, दिस वन, क्योंकि वहां पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो आयंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। एक एक ही कैटन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, एक के अंदर ज्यादा होगी, क्लोराइड अंदर ज्यादा बाहर ज्यादा, ये सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो भी इसी वजह से बनता है। और क्लिनिकली जो डायलिसिस हम करते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर में, बाकी से वो भी डोनर्स के प्रिंसिपल पे होता है, तो उसमें हम सारा रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ परमिएबल आयंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनपरमिएबल आयन और पार्टिकल। ये सेम वही डायग्राम तक, उसमें अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो क्या होगा? सेल लाइसिस वाला भी उसी में है, सॉरी। ओके, फॉर ऑस्मोसिस एंड डोनर्स इक्विलिब्रियम, गो फॉर मुश्ताक, ब्रीफ सा दिया हुआ है, दैट्स सफिशिएंट। इफ यू नीड्स ए लिटिल बिट डिटेल्स देन गो फॉर हाशमी। हाशमी का आइडिया है, हाशमी टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री? नो सर। ओके, आप मुश्ताक से कर लें ऑस्मोसिस एंड गिव्स इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा यस सर, जो हम कैपिलरीज की बात करते हैं, हमने कहा था फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू रीअब्सॉर्प्शन, और फर्दर जो रीअब्सॉर्प्शन होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। सर फिल्ट्रेशन ज्यादा क्यों होती है? फिल्ट्रेशन ज्यादा क्यों होती है? डायग्राम फिल्ट्रेशन ज्यादा इसलिए होती है कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, प्लाज्मा का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, दैट टेंड्स टू मूव द वाटर मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम द कैपिलरीज। और जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कम है, दिस वन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35, ऑनकोटिक प्रेशर ओनली 25, जो प्लाज्मा प्रोटीन से है वो 25 ऑस्मोटिक प्रेशर रखती हैं, वो 25 तक सस्टेन करती हैं। सो इसका मतलब यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है? यस, तो कम प्लाज्मा प्रोटीन्स तो उतनी ही है लेकिन उसका जो प्लाज्मा का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ज्यादा है, दैट इज 35। इनमें डिफरेंस 10 के है। ऑन द कंट्रारी अगर आप इस तरफ देखें रीअब्सॉर्प्शन वाली साइड पे, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया है, दैट हैज रिड्यूस्ड टू ओनली 18 रादर देन 35। प्लाज्मा प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन वो सेम ही रहती है 25, सो अब यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आ गया, यानी कि ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो रिटेन करेंगी प्लाज्मा को, वो बाहर निकलने नहीं देंगे, सो दैट्स व्हाई देयर इज रीअब्सॉर्प्शन। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आई अगेन से फॉर ऑस्मोसिस एंड ऑनकोटिक प्रेशर, यस यस यस। आपने शुरू में कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर में अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा मूव करेगा, सर ये कैसे पॉसिबल? सॉरी दोबारा बताइए क्या कह रहे थे? आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि सॉल्यूट की वजह से वाटर ज्यादा मूव करेगा जी, सर ये बात मुझे समझ में आई। अगेन रिपीट,
ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो उतने ज्यादा वाटर को अपनी तरफ मूव करवाएंगे. सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंप्शन बढ़ती जाएगी तो मूवमेंट ऑफ कोर्स बढ़ती जाएगी. सर, डज द साइज ऑफ द सोल्यूट मैटर, सॉरी सर, डज द साइज ऑफ सोल्यूट मैटर, जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल का साइज है, क्या वो रोल प्ले करता है कोई साइज? यस सर, आई एम नॉट श्योर, मुझे देखना पड़ेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो करते हैं बट आई डोंट थिंक सो कि साइज भी करता होगा. साइज शायद नहीं करता, क्योंकि अगर साइज करता होता तो फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, सोडियम थोड़ा कम में वो होता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे करते हैं बट आई एम नॉट श्योर. आई विल डिस्कस इट आफ्टर कंफर्मेशन. ओके, लेट मी सेंड यू द अटेंडेंस लिंक. सर आज मजा मुश्ताक से करना सारा. यस, मुश्ताक से और हाशमी से. सर मुश्ताक के रहने दे, मुश्ताक से. सर ये जो डोनन्स डोनन्स इक्विलिब्रियम है, ये भी मुश्ताक में दिया हुआ है. मुश्ताक में भी दिया हुआ है, हाशमी में दिया, दोनों में दिया हुआ है. सर दोनों में फर्क क्या है? सर पनल आदमी है.